बजरंगी विराजति सुशिल्पे प्रहति महिपावमानो नक्तो शासन दर्शने बजरंगी बजरंगी जय 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 बजरंगी जय 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 बजरंगी 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 जय 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 बजरंगी जय 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 बजरंगी बात करते नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे चारो युग प्रताप सुनावा जय हनुमान जगत उजियारा जय हनुमान वर्षों से इंतजार कर रहा था। आज मेरी बच्ची की शादी है, इसीलिए ये धूमधाम है। बजाओ रे।
भाई से अपने देश की भाषा में बात करोगी तो ही सुनाई पड़ेगा। आहा, एकदम हीरो की तरह जवाब दिया बेटा। आखिर बेटा किसका? जी हाँ, ये कोई राजकुमार से कम है क्या? बाहर किसी से भी पूछ कर देख लो कि बैटमैन बादशाह कौन है। तुम्हारे बेटे की तरफ ही उंगली उठाएगा। कुछ कम गुल नहीं खिला रहा है तुम्हारा ये लाडला। ए, अपना मुँह चलाना बंद कर। मेरा बेटा तो राजयोग के साथ पैदा हुआ है। क्यों रे, तू इसे क्यों बदनाम कर रही है? मैं बदनाम कर रही हूँ? इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है इनके कारनामों की, सिर्फ फ्लैशबैक में जाकर देखो। मेरी लड़की का उद्धार हो जाए इसीलिए मेरी माँ ने मेरे भैया को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। इन महाशय का पैर वहाँ पड़ते ही गवर्नमेंट ऑफिसर भी उसी वक्त वहाँ पहुँच गए और कहने लगे ये इल्लीगल जगह है और ये बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है। आज की आज तुम्हें ये स्कूल बंद करना होगा। तो फिर जरा आप ही सोचिए कि मेरे भैया कितने महान हैं। कॉन्वेंट स्कूल के बदले मेरे भैया को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। एक दिन मैं फैन के साथ अपनी पसंदीदा साइकिल चला रही थी। मुझे एक राउंड दो कहकर जिद करके मेरी साइकिल लेकर घूमने निकल पड़े। आखिर में हमें उसके पुर्जे बटोर कर लाने पड़े, लेकिन मेरे भैया को कुछ भी नहीं। हमारी दादाजी ने पेंशन के सारे पैसे छोड़ छोड़ कर भैया को एक मोबाइल शॉप खोल के दी। दादाजी ने कहा कि मैं रिबिन नहीं काटूंगा, तू ही काट। भैया के रिबिन काट दी। किस्मत ही बदल गई। बिल्डिंग के साथ साथ दादाजी की जिंदगी भर की कमाई थी स्वाहा हो गई। अगर कोई चाहे तो इनके कारनामों पे पूरा ग्रंथ लिख सकता है। तुम्हारे बेटे की किस्मत को तो लकवा मार गया है माँ। तू चुप कर, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? सारा दोष ऊपर वाले का है। वही तो, इनका बैड लक है। बेटा मैंने तुमसे एक काम बोला था, उसका क्या हुआ? हो गया? वो भी स्वाहा। ए, तू चुप कर। एक दिन सबको ये पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कितना किस्मत वाला है। लीजिए ससुर जी। मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगा, हाथ धो के करूँगा। पागल कहीं के, ये ले। दादाजी अपनी चाबी देखी क्या? देखते ही बता दूंगा, दे दूंगा। ओ, दादाजी बिना। मम्मी मेरी चाबी कहाँ है? तेरी चाबी है, मुझे क्या पता। ए जाना, तू नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगी। तू हमेशा छीनती ही तो आई है, इसमें कौन सी नई बात है? अरे अरे क्या हुआ, मेरी गाड़ी की चाबी दिलवाओ। अरे वो मंदिर जा रहा है। मंदिर जा रहा है? आज मेरी गाड़ी का तो सत्यानाश होकर ही रहेगा। मैं अपनी गाड़ी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। खैर जाने दो माँ, हमारी किस्मत में अगर बसी लिखी है तो उसी से जाएंगे। बेटा बस में जाने में तो देर हो जाएगी, मंदिर बंद हो जाएगा। तुझे समझाओ। ठीक है, मेरी गाड़ी की गारंटी तुम लेती हो? बेटा ये तो बहुत कड़क परीक्षा है। दादा चित्रगुप्त जी अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में ध्यान ना दे। ठीक है बेटा, मैं गारंटी देती हूँ। चलिए प्यारी माँ, ये खूब पैसे कमाती है, कुछ भी हो गया तो नहीं गाड़ी। मेरी गाड़ी का कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तुम पहले हनुमान जी के दर्शन करके आओ। हाँ। तब तक मैं पूजा का सामान ला। ठीक है माँ। हाथ जोड़ो बेटा। क्या हुआ बेटा?
जाने दो, छोड़ो ना माँ। अरे बाप रे, कितना खून निकल रहा है। अरे छोटा सा घाव है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे माँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? बहस मत कर, मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। ठीक है माँ, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम आओगी तो डॉक्टर खुद मरीज बन जाएगा। सॉरी माँ। तू सच में डॉक्टर के पास जाएगा ना? तो ठीक है, ECG, हड्डी का एग्जामिनेशन, एक्सरे, सब कुछ करा लेना। बहुत अच्छा, ये सब कलर में नहीं आता। पैसों की परवाह मत करना, पर सारे चेकअप करा लेना। ठीक है माँ, ठीक है। जा जा जल्दी जा, पैडलक इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। सही समझ लो सर, देखो मैं कह रहा था। किधर है तेरा? सर हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। आरसी बुक वो घर में संभाल कर रखा। और लाइसेंस? वो तो डुप्लीकेट बनाने दिया। अपना भी डुप्लीकेट लेके आता। ये लड़की कौन है? पिकअप है सर। क्या? आई मीन ड्रॉप करना है। कहाँ ड्रॉप करने वाला है? ये सब पूछने का क्या मतलब है सर? अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम, गलत समझ जाएंगे। सर आप भी क्या, ये मेरे को मैटर नहीं मीटर मानता है। चल थोड़ा वो बाजू आ जा। कहाँ चलना है सर? उस तरफ। तो जाओ। अरे सर आपकी टोपी। ओके रहने दे, तुम चलो ना। ऐसे कैसे जा सकते? पुलिस वाले काय को मारा रे? क्योंकि सर आप ही ने कहा था ना मारने के लिए। मैं तेरे से ये मांग रहा था और तू मेरे को धक्का मारा। अच्छा सुनो, एक 500 रुपए दो ना, इन्हें दे। अरे पैसे भी मैं ही दूँ? पैसे नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हो? अरे ये गलती थी जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहा। मैं कहाँ से लाऊं? छोड़ो, मेरा हाथ कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है। आजकल कोई किसी की चिंता नहीं करता, क्या करे। अरे 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 अरे, रुक जा नौजवान। बेटा मुझे थोड़ा ड्रॉप कर देना, काफी देर से ऑटो नहीं मिल रही है। ये क्या हो रहा है? मैंने मदर्स डे सुना था, फ्रेंडशिप डे सुना था, आज क्या ड्रॉप डे है? बहुत धूप है, चेहरा काला पड़ जाएगा बेटा। आपके पास पैसे है ना? वो क्यों? रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। अरे जब पकड़ेगा तो देख लेंगे। देख हैंडसम, मुझ जैसी खूबसूरत औरत को ड्रॉप करेगा तो भगवान एक ब्यूटीफुल लड़की को तेरी गर्लफ्रेंड बना के भेज देगा। लेकिन आप बीच में छोड़ के भागना नहीं है। अरे छोड़ रे, जब जवानी में पति को छोड़ के नहीं भागी तो अब क्या भागूंगी। हाँ दादी माँ, बातें अच्छी कर रही है, लेकिन मुझे एक डाउट है। क्या? आप कहीं सचिन की मम्मी तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं वो सचिन नहीं, मेरे बेटे की माँ हूँ। मजाक अच्छा कर लेती, बैठ जाइए अपनी गाड़ी समझ कर बैठ जाइए। आ गया आपका मकान, तो फिर मैं चलूं? अरे रुक जा, चल कर एक कॉफी तो पी लेना। चलिए आप इतने प्यार से कह रही हैं तो पी लेते हैं। संभल कर दादी,
थोड़ी सी कॉफी देना। हाँ लेके आती हूँ। ये क्या है दादी, आपने कहा था मैं ना भागी हूँ ना भागूंगी, तो इतने सारे कप कहाँ से हैं? अरे ये सब मेरा नहीं, मेरी पोती का है। अरे बेटा इन चीजों को हाथ मत लगाना, पोती को गुस्सा आ जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है दादी, ठीक है। नो कॉल, हमेशा नेटवर्क का दफा। ये ले बेटा कॉफी। थैंक्स। और बढ़िया दादी। दादी माँ नई गाड़ी लेकर आई हूँ, पूजा करनी है, जल्दी आओ। ये कौन है, आवाज सुनी भी लग रही है। दादी, अब यहाँ भी पहुँच गई। पुलिस के हाथ में बुरी तरह फंसा कर टांग देके चली गई। अब यहाँ क्या लेने आई हो? ये मेरा घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं दादी माँ को ड्रॉप करने आया था। ड्रॉप करने का ही काम करते हो? जाओ। अरे जरा रिस्पेक्ट से बात करो दादी। अरे क्या बात है गीता। दादी आज इस आदमी की वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। मुझे किसने बर्बाद किया? पापी, जब तूने पैसे के बारे में पूछा तब मैं समझ गई थी कि तू कितना गिरा। सच कहो ना दादी। तू चुप कर। अरे दादी माँ, हम जिस प्रोजेक्ट पे एक साल से मेहनत कर रहे थे वो इसकी वजह से हमारे हाथ से चला गया। एक नंबर का मन नहीं है करा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ पानी में। अरे भगवान, इतना नुकसान किया। सॉरी। समझ गई ना दादी, जा रहा हूँ। हाँ पता है तेरी दादी है, मैं उन्हें छोड़ने आया था। अगर ये मुझे घर में दिखाना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बेचारा बहुत अच्छा इंसान था। दादी मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे आप दोनों झगड़ा बंद करो। दादी ये भंगार से डब्बे जैसी स्कूटी लेकर आई है, आप चल के उसकी पूजा कर दीजिए। ज्यादा हो गई। क्या है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक सही नहीं है और मेरी किस्मत भी सही नहीं है। अरे दादी यहाँ पर एक स्कूटी जैसा कुछ था वो। सॉरी बड़े लफड़े में फंस गया यार। बर्बाद कर दिया मुझे। मैं बर्बाद हो गई, मैं लट गई। जब से तेरी मनुष्य शक्ल देखी है ना। अरे रुको, आप नाराज मत होइए दादी, इसमें कुछ भूत तो नहीं आ गया? लगता है कुछ छाया है दादी, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ो दादी। मेरी हीरोइन जैसी स्कूटी को तूने आइटम गर्ल बना दिया। अरे यार कोई बहुत खतरनाक आत्मा है। नीतो ला तलवार। अरे जोगी बच्चों को खेलने की चीज नहीं है। अरे कूल कूल कूल, इसे जिस तरह तू घुमा रही है ना, अगर छू भी गई ना तो गर्दन उड़ जाएगी। अरे रुक यार, समझ ही नहीं रही। अरे गाड़ी ले जा। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, ले जा रहा हूँ ले जा। ये गाड़ी नहीं, हाँ कौन सी वाली? वो वाली। हाँ ठीक है कूल कूल कूल। इसका बस्ती पंजर ढीला हो गया, कैसे उठाऊं कैसे चलाऊं? अरे ले जा रहा हूँ। पहले इस गाड़ी को रिपेयर करके लाओ, तब तक ये गाड़ी मेरे पास रहेगी। हाँ ठीक है मैडम। मैडम गाड़ी संभाल के रखना मैडम, ठीक है ना? मुझे मालूम है, चलेगा। इसे तो सब मालूम है। क्या हुआ? जैसी मैं हूँ मेरी गाड़ी बिल्कुल वैसी है। पैदल ले जा। Thank you.
मामा, इस भूतनी को अंदर गए बहुत देर हो गई है। पता नहीं अंदर जाके क्या आतंक मचा रही होगी। हम लोग अंदर जाके जरा देखें क्या? हाँ चल 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 देखते। मामा, बहुत अच्छे मूड में। भूतनी के बगल में एंजल खड़ी है। दोनों कितनी अच्छे से बातें कर रही है। एंजल एंजल नहीं कहते मामा, एंजल देव कन्या। लार मत टपका और देखो। हाँ देखता हूँ अभी। जैसा बोल रहा था वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या सच में साक्षात देव कन्या? आगरा का टिकट बुक करना ही पड़ेगा। क्या काम? नहीं नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। चाबी मिल गई क्या? क्या कहा तुमने? जो सच था। अरे हटा ए, ये रजनी स्टाइल मत बता, जो सच है वो बता। तो फिर सुनो, तुम्हारे बैड लक के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। पूरी हिस्ट्री सुना डाली क्या? स्कूल से लेकर अब तक जो भी स्वाहा हुआ फ्रेम टू फ्रेम बता दिया। क्या कहा उसने? गाड़ी रिपेयर होने के बाद उसे मत भेजना, तुम ही लाकर दे देना। ऐसा क्यों कहा? तुम दोबारा यहाँ आओगे तो ये घर भी स्वाहा हो जाएगा, ऐसे मैंने उसे कहा। बाय मामा। अरे सुन सुन, क्या है? इस तरह मुँह पे दरवाजा नहीं मारते, इंसल्ट होता है। चल जा रे। मेरे कान बंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। थोड़ी सी बेइज्जती जरूर होती है, लेकिन जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम्हें ही पाता। वो तो मैं हूँ भांजे। मामा डिस्टर्ब मत करो यार, मैं अपनी लाइंस भूल जाऊंगा। ओके ओके। तेरे बिना बिना जर्दी का अंडा हूँ मैं, बिना आलू का समोसा हूँ, फ्यूज हुआ बल्ब हूँ, तू मेरी राहों में रोशनी फैलाती कैंडल है। कैंडल बुझा के अंधेरा कर दो क्या? तू अपनी हद पार कर रहा है मामा। और तू क्या कर रहा है? कुछ फील ला भांजे। क्या 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 कहा? फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि बटन अपने आप। जब भी कुछ कहो प्यार से, सही तरीके से, रोमांटिक होकर कहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मामा? पहले अपनी शर्ट का बटन लगाओ। ओके ओके। कम ऑन। बिल्डअप हो गया यार, अब डायलॉग बोल। हे, जिस वक्त तू मेरी गाड़ी में बैठी थी उस वक्त मेरे दिल का दरवाजा अपने आप खुला। मिरर से देख रहा था मैं तेरा मासूम चेहरा, तेरी जुल्फों और आंखों के बीच हो रही वो कश्मकश, गुस्से में तिल मिलाता तेरा चेहरा। हाय, शायरों ने सच ही कहा है, प्यार किसी से एक ही बार होता है। जाने मन जब से देखा है तुझे और जब भी मैंने तेरी आंखों से आंखें मिलाई, मोहब्बत ने हर बार दस्तक दी है। अपनी हर खुशी मैं तुम्हें दे दूं और तुम्हारी जिंदगी के सारे गमों को मैं ले लूं, दिल की ख्वाहिश है तेरा गुलाम बन जाऊं। आई लव यू। I love you. नहीं नहीं दादी जी, तू मुझसे इश्क लड़ाता है। देखिए दादी जी, उस दिन तूने मुझे ड्रॉप किया, इसलिए अच्छा लड़का समझकर मैंने तुझे एक कप कॉफी पिलाई थी। अब तू मुझे पे ही डोरे डाल रहा है। तू बुढ़ाओ है? नहीं दादी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अबे तूने अपने मामा का नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसके मुंह में बत्तीस ही नहीं है उसको तो लाइन मार रहा है। अबे तेरा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? नहीं मामा नहीं, अरे गलती से रॉन्ग नंबर लग गया। अबे तेरे इस हरकत से कहीं उसे हार्ट अटैक आ जाए। यही है वो जो रेप करने आया था। दादी माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है, मैं तो जा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊँ माँ, टाइम ही खराब चल रहा है। ये बात तो सारा गांव जानता है। बोल बोल और बोल। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा राजा महाराजा बन जाएगा। राजा महाराजा?
दादाजी शुरू हो जाइए। राजाओं के राजा, राजा मार्तंडे, वीर केसरी, गजपति, भूपति, श्रीपति, तिरुपति पधारे हैं, पधारे हैं, पधारे हैं। मम्मी देखो ना मम्मी। जस्ट इग्नोर देम। जानते हो कल मंदिर में बहुत बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, उनके पास जाके तेरी जन्म पत्री दिखाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। बेचारे वो साधु महाराज को अब भगवान ही बचाए। कल कौन आ रहा है मम्मी? ये भैरू पे कौन? मतलब स्वामी लगता है। कैसी हो पुत्री? आपकी कृपा है स्वामी। योगी वो शिव भी तुम्हारे चेहरे पर तांडव कर रहा है, धिंकड़ा धिंकड़ा। बोलो पुत्री क्या समस्या है? इसकी जन्म पत्री दिखानी थी। जन्म पत्री का थू थू थू। क्या है ये? ये किस मनहूस की पत्रिका है? क्या है ये पत्री? सारे एक ग्रह पटरी से उतर गए हैं और स्टेशन के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। थू भटकते भटकते उनके पावों में छाले पड़ गए हैं। थू 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 थू। इतनी रद्दी जन्म पत्री मैंने पिछले 7 जन्मों से नहीं देखा। उड़ जा। अरे क्या बात, तू भी, तू तो बता रही थी बहुत बड़ा ज्ञानी है ये। अभी जाके अपनी कुंडली ला दो। स्वामी जी कुछ तो करिए। रेलवे मिनिस्टर नहीं है पुत्री। क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपको पैसा चाहिए ना, ये लो रख लो, मेरी कुंडली मुझे दे दीजिए बाबा जी। कहा ना नहीं दूंगा। अरे वो बेकार की कुंडली है, दे दीजिए। क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना जोर से चिल्ला रहे? मैंने सिर्फ कुंडली मांगी है, तो दे दीजिए ना, एक ही कॉपी है मेरे पास। माँ मेरा दिमाग खा जाएगी, दे दो ना बाबा। ये बहुत महान जन्म पत्री है। ये किस श्रेष्ठ इंसान की जन्म पत्री है पता है तुम्हें? आपको क्या मैं कोई जोकर नजर आता हूँ बाबा? उस बाबा ने इसे बकवास कह के उठा के फेंक दिया और आप इसे एकदम महान बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही नाटक कंपनी के हैं क्या? बाबा दे दो ना मेरी कुंडली। नहीं मम्मी, देखो ना मम्मी। तुम कौन हो, तुम जानते हो क्या तुम्हारे दादा कितने महान पुरुष थे पता है तुम्हें? वो जिस जगह कदम रखते हैं, जिस मिट्टी को छूले, वो सोना बन जाती है, सोना। पवित्र आत्मा थे तुम्हारे दादा, महात्माओं के महात्मा। बाबा मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे दादा एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर है, घर में आराम कर रहे हैं। मैं उन्हें प्यार से चित्रगुप्त कहता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों का, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? चलिए ठीक है, कर लिया विश्वास। चलो मम्मी। अरे आप क्या खड़े खड़े देख रही है, चलिए ना बेटा। इनकी बात हमारे जन्म का रहस्य तुम्हें नहीं पता है? मेरे सिवा कोई नहीं सुना सकता है। जाइए 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 जाइए। सुनो बेटी, उस लड़के को देख रही हो जो अपनी माँ के साथ जा रहा है? वो लड़का? ओ, भागो यहाँ से। वो एक दिन आएगा, अवश्य आएगा, और आकर मेरे बारे में पूछेगा। तब तुम क्या जवाब दोगी पता है? क्या जवाब दूँ? वो बाबा मुझे एक नंबर का पाखंडी लग रहा था। बेटी इसे देखकर लग रहा है महाराज की पदवी ग्रहण करके आया है। दादाजी न्यूज चैनल लगाइए, कौन सा स्वामी दुनिया से उठ गया है ये जानना है। ए क्या है, मार खाएगी तू? बहू तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है? असल में बाबूजी, जीवा की जन्म पत्री दिखाई थी, स्वामी जी ने कहा बहुत बेकार है और उसे फेंक दिया। तो क्या हुआ, वो कोई पागल होगा, तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? इतना ही नहीं बाबूजी, उस फेंकी हुई जन्म पत्री को एक बुजुर्ग साधु ने अपने हाथों में उठा लिया और कहने लगा ये एक महान जन्म पत्री है, उन्होंने कहा कि ये एक श्रेष्ठ इंसान की है। उतना ही कहते तो दुख नहीं था, पर कहा आप उसके दादा ही नहीं है, उसके दादा एक महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसा वैसा ना जाने क्या क्या कहा। जीवा ने मुझे उनसे
मुझसे बात ही नहीं करने दी, मुझे वहाँ से खींच कर ले आया। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत फिक्र हो रही है बाबूजी। पाखंडी बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आप एक साधारण पोस्ट मास्टर है और यही रह रहे। आप कौन सी दुनिया में चले गए दद्दू? उन्होंने क्या कहा बेटा? अरे छोड़ो उसकी बातों को। उन्होंने क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारे जन्म का सारा रहस्य जानता हूँ, ऐसे ही कुछ। मुझे उनसे अभी मिलना। दादाजी, बाबूजी, आप कहाँ जा रहे? रुक जाइए। दादा इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता भी मेरे बेटे नहीं है। आखिर कहना क्या चाहते हैं दादाजी? तुम मेरे पोते नहीं हो। आज से बहुत साल पहले एक अंधेरी रात में मैं अपनी बीमार माँ को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक एक औरत ने आकर एक नन्हे से बच्चे को मेरी माँ की गोद में डाल दिया और कहा इसकी जिंदगी खतरे में है, इसे बचा लीजिए। और वो वहाँ से चली गई। उस बच्चे को मेरी माँ ने मेरी गोद में डालकर कहा, अब इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बच्चा कोई और नहीं था जीवा, तुम्हारे पिताजी थे। मैं सच कह रहा हूँ जीवा, तुम लोगों से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आज तक शादी ही नहीं की। अरे जीवा, तुम लोग तो सिर्फ इतना जानते हो कि तुम्हारे पिता एक ड्राइवर थे और एक एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन सच बात तो यह है कि उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। वो पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप लेवल के अंडर कवर एजेंट थे। मुझे ये सारी बातें उनके देहांत के बाद पता चली। उन्होंने सैकड़ों जाने बचाई हैं। वो मामूली नहीं, महान इंसान थे बेटा। ऐसे महान इंसान के बेटे हो तुम, लेकिन तुम्हारे हर कदम से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये जब सुनता हूँ तो मेरा कलेजा टूक टूक हो जाता है। तेरे अंदर एक शक्ति है, वो कौन सी शक्ति है ये जानने का वक्त अब आ चुका है, और वो तुम्हें जानना है। जब तुम्हारे पिता इतने महान थे तो तुम्हारे दादाजी वो तो और भी महान रहे होंगे। तुम्हारे जन्म का रहस्य उसी साधु से पता चलेगा। चलो बेटा, उन्हें ढूंढते हैं, नहीं तो वो चले जाएंगे। चलो बेटा। मम्मी तो यहीं पर थे। मम्मी, आप लोग यहाँ देखिए, हम लोग उस तरफ देखते हैं। आइए दादा। कहाँ चले गए होंगे? भी आए थे ना? हाँ। तुम वो साधु को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ। तुम यहाँ पर आओगे, उनके बारे में पूछोगे, ये सब मुझे बता कर गए थे। और क्या कहा? वो किस गांव में मिलेंगे ये भी बताया था। किस गांव में? बापरे, उनकी बातें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। राम दुर्गा। देखो जीवा, तुम्हारे जन्म का रहस्य सिर्फ वो साधु ही जानते हैं, और वो रहस्य जानने के लिए तुम्हें जल्द से जल्द राम दुर्गा जाना ही होगा। ठीक है दादाजी। रेनाडा घंटा लेट नहीं है, ये अब जाएगी ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? अंदर देख। कौन है अंदर? जरा वहाँ का नजारा तो देख। मामा, क्या कर रहा है? उनको बोल रहा हूँ मैं, आपकी होने वाली बहू है। कहाँ जा रही हो? चलो, हमारी सीट यहाँ है, इधर आओ। मामा,
मामा गुड लक। सलाम सर। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। माँ मोटी। Excuse me मैम, ये मेरी सीट। बैठ जाओ। पास मत कर, बैठ जाओ। मैं बोला करूँ। सॉरी सॉरी, आप बैठ जाइए, बैठिए प्लीज। अरे बैठ ना। बैठो अंकल। मैं कौन सी सीट पे बैठूंगी? बड़ी तीखी मिर्ची है। मैडम आप भी बैठ जाओ। अरे बैठो ना मैडम, टीसी आ जाएगा। बैठो ना, क्यों नहीं मान रहे हो? बैठ जाओ ना। अंदर तो चलो, अंदर तुम ही अंदर। बेचारा बहुत मेहनत करता है, लगेज भारी जो है। खुद लगेज से कम है क्या? जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मोटू तो कोई तांत्रिक लगता है। मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। इसे देखो, ये तो पूरी मस्ती के मूड में लग रहा है और लाल पीली परेशान लग रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको ये जगह सूट नहीं हो रही है। हम सीट एक्सचेंज कर ले। नो थैंक यू। देखिए मैं आपकी भलाई के लिए। नो थैंक यू। आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। लेकिन ये तो बड़ी नकचढ़ी है यार। भलाई का जमाना नहीं है यार। वैसे हम लोग आमने सामने, एंगल अच्छा है। गेंडी, ए गेंडी, किसको बोला रे? एक जमा के दूंगी ना, थोबड़ा ही आराम हो जाएगा। सीधे दोनों बजा रहे। मैडम इसीलिए कह रहा हूँ, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, सीट एक्सचेंज कर लीजिए। चुप बैठ, एक बार कहा ना नहीं? अगेन आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। अरे छोड़ो यार, फिर कोशिश करो। गेंडी, ये तेरा बेटा है क्या? ए, क्या बकरा है बे? मैं इसका हाउस हस्बैंड हूँ। हाउस हस्बैंड क्या होता है बे? जैसे हाउस वाइफ होती है, वैसे ही मैं इसका हाउस हस्बैंड हूँ। क्या मैडम, गले में इतना सोना बबीता को फॉलो करती हो? अगर ज्यादा है तो इस बच्चे के खीसे में डाल दो। आया बड़ा। जेम्स, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। मैडम आप यहाँ पे बैठ जाइए। क्या है कि चुपचाप बैठने के लिए कह रहा हूँ, बैठे रहो। बेटा ये अपने झांसे में नहीं आने वाले। आई लाइक योर हेल्पिंग नेचर। अब चुप भी हो जाओ भाई, आप कोशिश करते रहिए। बहुत अच्छे हाथ है। क्या आप भी इसके साथ तबला बजाना शुरू कर दिए? आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? क्यों सबको डिस्टर्ब कर रही है? Come on, sit with me. मेरा अंडरवेयर तक नहीं छोड़ा उसने। मेरा सब कुछ सेफ है। दोनों का तो बैग और पर्स दिख गया है। तुम तो मेरे बारे में तो सोचो, वो लोग मेरी बीवी तक उठा के ले गए। तुम्हारा सामान कैसे चोरी हो गया? अरे अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए ना। ये देखो, हाँ थोड़ा हमें भी दे दो। मेरा सामान अपनी जगह पर है, देख लिया ना? मामा मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मुझे भी एक शर्ट देना यार। बस इतनी सी बात। अरे ले लो ना मामा। अच्छा अच्छा। ए हट रे, थोड़ा तो वजन कम हुआ। क्यों तेरी बहन से मेरी शादी करवाएगा? मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ है। अभी सिर्फ उस मनहूस के पास ही पैसा है। अगर तुम थोड़ा उसके साथ कॉम्प्रो कर लो तो हम गांव तक पहुँचेंगे। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? आ गए वो लोग, आ गए आ गए। फ्रेश हो गया मामा, सीने से चूर हो गया। एक्चुअली आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बोलो बोलो। आप भी मुंबई ही जा रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, नॉर्थ कर्नाटक के करौली स्टेशन पे उतर कर वहाँ से हम राम दुर्गा जाएंगे। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है मोटे? वो मेरा खानदानी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम राजस्थान एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाला कैंसिल हो गया था। क्योंकि आपने उस पे नजर लगा दी तो हमने सोचा चुप करना। आप जहाँ जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं, एक ही जगह है, एक ही रूट है। अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ना तो राम दुर्गा पहुँचते ही हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। आप हमारी हेल्प करेंगे? सिर्फ एक कंडीशन। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है मैडम? इसके इरादे नेक नहीं है। चुप रहना।
मुझे अबे जाबे करके नहीं ठीक है ना? बिना वजह गाली वाली तो कभी नहीं दो। देखना पड़ेगा। माम्स डील यस। अरे करौली आ गया भांजे। मैडम लेडीज फर्स्ट। नहीं सर आप फर्स्ट। नहीं नहीं मैं उसूल का बड़ा पक्का हूँ, लेडीज पहले जाएंगी। नहीं आप जाइए। नहीं मैडम पहले आप। आप जाइए ना। नहीं मैडम आप जाइए। आप जाइए ना मैडम। आप जाइए। मैडम जाइए ना मैडम। नहीं जा सकती। नहीं आप जा सकती है मैडम। नहीं हो रहा। होगा मैडम होगा होगा। ऑटो चलोगे क्या? क्या है इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? कहाँ जाना है? राम दुर्गा। राम दुर्गा तुम नहीं चलोगे क्या? वो निशान दिख रहा है ना वो उधर, सीधे चले जाना, राम दुर्गा आ जाएगा। हमें ऑटो से जाना है, तुम नहीं चलोगे? ऑटो तो जाएगा लेकिन तुम वापस नहीं आएगा। तुम्हारी भलाई की कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, तुम लोग राम दुर्गा मत जाओ। एक्सक्यूज मी कौन है वहाँ पर? क्यों भाई तुम छोड़ दोगे मैं राम दुर्गा? 500 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें राम दुर्गा पहुंचा दूंगा। हाँ चलो दे देंगे। राम दुर्गा जाना है, राम के पास नहीं। चलो आ जाओ सब लोग। इस खटारा में जाना पड़ेगा क्या? हर सिटी से बुलाया था, टायर पंचर हो गया। अबे औकात है क्या तेरी? झगड़ा मत करो चलो। अब भगवान ही बचाए तुमको, जाओ जाओ स्वाहा हो जाओ। कर भी तू एक शराब की दुकान की तरह है, इज्जत लूटने के बाद भी रोटी की तरह गरम है तू। अरे ओ छमिया अभी भी तेरा मन नहीं भरा क्या? तेरे साथ मैं प्यार करूं या फिर कुछ और करूं? देखना कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें चीर देगा। तुम लोगों के पास का घड़ा भर चुका है। कभी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें तो छेद ही छेद है। तुम लोगों के बाप के घड़े में छेद हो सकते हैं लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है नहीं, नहीं। अरे दस सिर वाला रावण भी इसी मिट्टी में समा गया, तुझ जैसे राक्षस भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ए, अगर उस ब्रह्मा ने तुझ जैसे राक्षस को इस दुनिया में भेजा है तो तेरा संहार करने के लिए किसी न किसी को तो भेजा ही होगा और वो आकर रहेगा। बजरंगबली भगवान के सामने ये सब गलत काम क्यों कर रहे हैं?
क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम ढोल क्यों बजा रहे हो? बंद करो यार, क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाई, अरे भाई, नहीं भाई, रुक जाओ। कौन है बेटा तू? इन्हें क्यों मारा तूने? ओए ये क्या कह रहे हो? मैंने कब मारा इन लोगों को? इन सबको तुम नहीं मारा है। तुम्हें पता है कौन है ये लोग? ये इंसान नहीं, राक्षस है ये। तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस गांव के नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे अरे मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ स्वामी जी, यही आने को कहा था ना? यही जगह रामदुर्गा? भाई भाई भाई, थोड़ा भी, मैं आप ही को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। आपने कहा था ना मेरे जन्म के बारे में कुछ बताएंगे आप? आप क्या जानते हैं मैं कौन हूँ और कौन है मेरे दादाजी? अंजना तने श्री राम दूत संजीवनी ग्रहण लक्ष्मण प्राण दाता लंका दहनकारी श्री मुरारी रत ध्वज सीता प्रहारी सीता शोक विनाश का दैत्य राक्षस संहार का जय बजरंगी। तुम कौन हो जानते हो? तुम्हारी शक्ति तुम्हारा पौरुष कितना है पता है? तुम्हारे दादाजी कौन है तुम जानते हो? तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला रक्त किस वंश का है ये तुम्हें पता है? कौन है रे तेरा भगवान? हमारे भगवान को अगर देतु करके बोलेगा तो तेरी जबान चल जाएगी। तुम जैसे दो चार लोगों की जान बचाने से वो भगवान हो गया क्या? अरे सचमुच के भगवान देख रहे हैं? उधर देख। ये कोई भगवान नहीं, राक्षस है। अगर हमारा भगवान यहाँ आ गया तो तुम जैसे शैतानों को जमीन तक नसीब नहीं होगी, सांस लेना तक दुश्वार हो जाएगा। बुला तेरे भगवान को, उसे भी देख लूंगा। भगवान को बुला, भगवान को बुला, तब से यही कहे जा रहा है ना? अगर वो सच में यहाँ आ गए तो तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। वो आते हैं तो उनकी आहट से ही पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं। में आते हैं उस समय सूर्य से अपार शक्ति से युक्त चैतन्य नाम की एक किरण उत्पन्न होती है। उस काल में जो जन्म लेता है वज्र शरीर जैसा प्रचंड रहता है, ऐसी दिव्य शक्ति से जन्म लेने वाला ही बजरंगी कहलाता है। बजरंगी वो इस वक्त किसी गर्भ में पल रहा है। संपूर्ण गर्भवती बजरंगी की पत्नी की प्रसूति का समय हो गया है। सब ठीक हो जाएगा।
सिर चाहिए, लेके आओ। मेरा बच्चा, मेरा जाने के बाद तू बिल्कुल अकेला हो जाएगा बेटा, इसीलिए उस भगवान ने इस बच्चे को हमारे पास भेजा है। आज के बाद तुम्हें इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी बेटा। Oh,
सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन के सीने को चीर देना चाहिए। हाँ ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी फसल नष्ट हो गई। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग सच में बहुत अच्छे लोग हैं। पिताजी, पिताजी। क्या है बेटा? मुझे शिकार करने जाना है। शाबाश मेरे बेटे, चलो चलते हैं। अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे मत ले जाइए, ये अभी बहुत छोटा है। शिकार करने के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, एकाग्रता, धैर्य, शेर के सामने खड़े होकर उसका सीना चीरने वाला कलेजा चाहिए। इन सब में हमारा राणा निपुण है। चलो बेटा चलते हैं। जी, आप रंगी, इस उम्र में जो आगे बढ़ता है ना, वो सूर्य को घूरने की हिम्मत रखता है। ये बजरंगी का बेटा है, इसे कुछ नहीं होगा। चलो बजरंगी, चलते हैं, शिकार करके आते हैं। पिताजी, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। अगर ये लोग भी गए तो गांव की रखवाली कौन करेगा? इसलिए सिर्फ आप और मैं ही शिकार पे जाएंगे। नहीं बजरंगी। चलो को बस में करना पड़ता है। तू फंस गया ना बजरंगी।
तू क्या समझता है ये तेरा पुत्र है? नहीं, तेरा पुत्र पैदा होते ही मर गया था, उसे मैंने ही मारा था। ये मेरे रक्त से उत्पन्न राक्षस है। जीवित क्यों हो पता है तुम्हें? चिरंजीवी जातस्य न भयम् न मरणम्। सारे ग्रह जब एक ही दिशा में आए थे तब पैदा हुआ था। तेरी इच्छा के बिना मानव दानव पक्षी जानवर सर्प कीड़े कोई भी नहीं मार सकता तुझे, क्योंकि तू एक चिरंजीवी है, इच्छा मरण वाला है, इसीलिए ये अस्त्र लाया हूँ। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को सामने देख कर भी तेरी आंखों का तेज और तेरी हिम्मत अभी तक कम नहीं हो रही। हिम्मत उसे नहीं कहते जो हथियार को देखकर डर जाए। हिम्मत होती है मर्द के सीने में जो वो लेकर पैदा होता है। मर्द कभी डरता नहीं है, चाहे मौत सामने खड़ी हो। दिया है तुझे समाप्त करने के लिए, तेरे पुत्र को इसीलिए दिया है। मुक्ति दे दो इसको। तुझे क्या सिखाया था? चाहे तेरे सामने कोई भी क्यों ना हो, आंखों में आंखें डालकर तलवार उसके सीने में भोंकर आर पार कर देना चाहिए। मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था, यही कहा था ना? वो मरा नहीं है, ये रहा मेरा बेटा, मेरा प्यार, मेरी विद्या, मेरा सर्वस्व देकर इसे पाला है मैंने। हे, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी जगह मेरा बेटा अगर मुझसे मेरी जान मांग लेता उसी वक्त मैं दे देता। राणा, तेरे दर्द को मैंने अपना दर्द माना। तुझे खुश देखकर मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन आज तेरी आंखों के आंसू मेरे सीने को छलनी छलनी कर रहे हैं। अगर तुझे मुझ पर वार करना है तो यहां नहीं, यहां कर। तुझे मेरे प्राण ही चाहिए ना? चक्रवर्तियों की बलि लेने वाला वज्रास्त्र है। जितनी ज्यादा बलि उतनी ही शक्ति। खून से सने होने पर इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मैं अपनी इच्छा से ये अस्त्र तुझे सौंप रहा हूँ। मुझे तपस्या पूरी करने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन मैं जरूर लौटूंगा। उस समय ये अस्त्र तुझे मेरे हवाले करना होगा। अगर ये अस्त्र कहीं खो गया तो सैकड़ों जन्म के बाद भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, न ही इसे रच पाऊंगा। विश्वास करके ये अस्त्र तुझे सौंप रहा हूँ। तुम इसे स्वेच्छा से लौटाओगे जब मैं वापस आऊंगा।
दान धर्म करने वाले भगवान थे। आप हमारा सब कुछ छीन कर हम पर जुल्म कर रहे हैं। वो भगवान था, मैं शैतान हूँ। जी? इनकी पूजा हमेशा कौन करता है तुम्हें पता है ना बेटा? रोज कृष्णा ही इनकी पूजा क्यों करती है? कृष्णा हमारे जैसे साधारण इंसान नहीं है बेटा, वो नृत्य में मेनका की तरह है, गायकों में गंधर्व की तरह है। उसके स्पर्श मात्र से सारे रोगों का निवारण हो जाता है, ऐसी संजीवनी शक्ति है उसमें बेटा। उसके खून के कण कण में श्री कृष्ण परमात्मा बसे हैं बेटा। वो आम नारी नहीं है, वो देव कन्या है। देव कन्या, जाओ ने बुला लाओ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। क्या हुआ बेटा? ओह, चोट लग गई है। दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो जाएगा। दुर्गा है। आज इस गांव में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हम सभी को दूसरे गांव में जाना है, यहाँ से हमारा कोई संबंध नहीं। संबंध है। मुझे चाहिए। किस जंगल के जानवर हो तुम? कुछ समय भी तुम काम कस्तूरी लग रही हो, महक रही हो। काटने पर तड़पती नारी को देखा है, रोटते समय फड़फड़ाते हुए नग्न नारी को देखा है, परंतु कुछ समय आके लाल करके घूरने वाले खूबसूरत चेहरे को मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत से खेला है, बेहिसाब औरतों के साथ ऐश की है। तुझे रखेल बना के रखूंगा, रहेगी साथ में। अपना शरीर, अपनी जान मैं कृष्ण के नाम अर्पित कर चुकी हूँ। तो जैसा कामुक नर राक्षस अगर मुझे छुएगा तो भस्म हो जाएगा जल के। मुझे जला के कौन भस्म करेगा? ये मूर्ति जो इस वक्त मेरे हाथ में, या फिर एक ही बार में टूटने वाली ये पत्थर की मूर्ति? शंख चक्र गदा हस्ते भक्त जना प्राण दाता, क्षेत्रपाल का कुरुक्षेत्र नायका, वंदे विष्णु भवभयहरं, कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण आएगा, समझे? कृष्ण आएगा। कौन सा ये कृष्णा?
कहानियों और पुराणों में ही अच्छा लगता है ये नायक। मौका मिलने पर भी छोड़ दूं, मैं कोई कंस के जैसा नहीं हूँ और इससे भीख मांगने के लिए मैं अर्जुन भी नहीं हूँ। कोनी राक्षस खून से ही मैं जन्मा हूँ, खून ही मैं पीता हूँ। साथ चलेगी या नहीं? मैं नहीं चलूंगी। किए हुए हर पाप का मैं एकमात्र साक्षी हूं। उस दिन जितने लोग यहां जीवित बचे उनके साथ मैं भी अपना जीवन बिता रहा हूं। वो पूरे गांव का सर्वनाश करके चला गया और मैं अंजनी पुत्र का ध्यान करते हुए उस बजरंगी के वापस लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद वो कहां गया? उसका क्या हुआ? वो जहां डाका डालने के लिए गया था वहां डाका डालने के बाद अपने गांव वापस लौट आया। उसकी वो अय्याशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। अचानक उसे भयानक बीमारी लग गई। उसकी भयानक बीमारी को देखकर सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और उसके साथियों को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद पूरा गांव एक शमशान बन गया। कृष्णा के दिए हुए श्राप से उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कहाँ है? पहले मुझे बचाओ। पहले ये बता मेरा अस्त्र कहाँ है? किसी तरह मुझे हो चाहिए, तुम मुझे बचाओ वरना उस अस्त्र को भूल जाओ। मेरी मृत्यु हो गई तो वो अस्त्र भी मेरे साथ चला जाएगा। शुक्ल पक्ष में देवियों के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली वो एक देवी कन्या है। तू जिसे अपवित्र करना चाहता था वो कोई मामूली कन्या नहीं, कृष्ण के परम भक्तों में से एक देव कन्या है। उसी के श्राप के कारण तेरी ये स्थिति हुई है, वो तुझे नहीं मिल सकती। मैं उसका हर जन्म में इंतजार करूंगा,
वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। पूरे राम दुर्गा को तूने जलाकर भस्म कर दिया, वो तुझे नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। राणा, मेरा अस्त्र मुझे दे। मैं नहीं दूंगा। राणा, मुझे वो लड़की चाहिए। राणा, राणा, अगर तूने स्वेच्छा से वो अस्त्र मुझे नहीं दिया तो मैं जन्म जन्मांतर तक भी उसे रच नहीं पाऊंगा। तुझे देना ही होगा। राणा, तू मर नहीं सकता। कामा तुराणम न भयम न लज्जा, तो किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकता। अकस्मात अगर वो पुनर्जन्म लेगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। तब तक तेरा शरीर इसी तरह सुलगता रहेगा। मेरा अस्त्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये शरीर और आत्मा मेरे वश में रहेंगे। रग 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 उस मांत्रिक ने आज भी उस आत्मा को अपने कब्जे में रखा है। उस आत्मा को कृष्णा चाहिए और उस मांत्रिक को वो अस्त्र चाहिए। अब तक उसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। उस दुष्ट से हम सबको बचाने के लिए किसी न किसी रूप में बजरंगी एक दिन फिर वापस आएगा, इसी विश्वास से हम लोग जी रहे थे। और देखो तुम आ गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जहाँ भी जाते हैं सब उल्टा हो जाता है, इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल नहीं, सब ये समझते हैं कि इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसी की वजह से उस परेशानी की आड़ में कितने लोगों की जान बची है। इसकी वजह से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये यहाँ आया है लोगों की भलाई के लिए। इसके नाम में ही जान है, क्योंकि ये बजरंगी वंश का है बेटी। जिस प्रकार कृष्णा के रथ पर उस अंजनी पुत्र का ध्वज लहराया था, वैसे ही इन सब के विश्वास का ये बजरंगी ही विजय ध्वज। जीवा, हम सब की रक्षा, भरोसा, विश्वास, सब कुछ तुम ही हो। भगवान के लिए तुम हमें छोड़कर मत जाना। गांव वालों को लगता है तू ही उन्हें बचा सकता है, चल वहीं चलते हैं। नहीं मामा, मैं वहां के हालात को समझ सकता हूं। अगर मैं यहां रहा तो मदद करने के बजाय उनके लिए मुसीबत बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भांजे, आपको सब पता है मामा, चलिए चलते हैं। जीवा रुक जाओ, उनकी हर मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में है। नहीं, मैं यहाँ रहूंगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उन नरभक्षियों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने देखा है तुम्हारी ताकत, मर्दानगी, तुम्हारी बहादुरी, मैं जानती हूँ। जिसके पैर रखने से हर मुसीबत कोसों दूर चली जाती है, आज उसी के रूप में अष्टलक्ष्मी यहाँ विराजमान है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो जीवा, तुम सूरज से आँख मिला सकते हो, बिजली से टकरा सकते हो, विजय ध्वज लहराने वाले हनुमान के दूसरे अवतार हो। तुम्हारे सीने में बसे हैं श्री राम और उनकी रक्षा करने वाले जग रक्षक। राम दुर्गा की जनता को तुम जैसे एक वीर पुरुष की जरूरत है। तुम यहाँ के हर इंसान की सांसों में बसे हो, उनकी आंखों में ज्वालामुखी है और उनके मन में एक ऐसा दर्द है जो कभी भी नहीं मिल सकता। तुम इन लोगों के लिए एक वरदान बनकर आए हो। प्रजा पर राज करने वाले को राजा कहते हैं और राजाओं पर हुकूमत करने वाले को चक्रवर्ती, और ऐसे चक्रवर्तियों पर हुकूमत करने वाले तुम महाचक्रवर्ती हो। अगर यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें दशकंठा गर्भमर्दना, असुर शक्ति नाशना, शिष्ट संरक्षणा, वीरा समीरा, बजरंगी बनना पड़ेगा तुम्हें, बजरंगी बनना पड़ेगा। तुम इन लोगों को बचा लो,
अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी। प्रथमो हनुमान नामा द्वितीय भीमई वच्चा पूर्ण प्रज्ञा तृतीय अस्तो भगवत कार्य साधका जय बजरंगी। जीवा, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमारा विश्वास गलत नहीं था, यह मारुति ही हमारी रक्षा के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। सबका कुशल मंगल हो ऐसा भगवान से आशीर्वाद लो। जीवा, श्री वत्स गोत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र मीन राशि जय बजरंगी। अपने दादाजी को प्रणाम करो। लक्ष्मी नारायण अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि विष्णु को। गीता अब रोहिणी नक्षत्र राशि अब वृषभ राशि। कौन से दिन पैदा हुई थी? अष्टमी। समय अब ठीक से पता नहीं है, शायद मध्य रात्रि में। स्वामी जी एक मिनट रुकिए। मामा के जन्म का गोत्र और नक्षत्र क्या है तुम जानते हो? हमारी कृष्णा और गीता का जन्म एक ही समय हुआ है। खतरा है, उसकी जान को खतरा है। जाकर उसे बचा लो।
उसे बंधन से मुक्त कर। वो मेरी है, वो मेरी है। पहले ये बताओ कि मेरा अस्त्र कहाँ है। सैकड़ों वर्ष की तप के पश्चात मैंने उस अस्त्र को वज्रास्त्र में बदला है। इतने वर्षों से वो अस्त्र तेरे पास था, अब तू मेरे साथ नाटक कर रहा है। अस्त्र पाने के बाद ही इसे मुक्त करूंगा। वो अस्त्र मेरे ही दाएं पैर की जांघ में है। अब मुक्त कर उसे। दाएं पैर की जांघ। की वजह से विवश था। जिस तरह इस अस्त्र को पाने के लिए तूने मुझे पल पल तड़पाया है, उसी तरह तू भी इसे पाने के लिए पल पल तड़पेगा। इसे बहुत पहले खत्म कर देता, परंतु इसके ऊपर जो तुम लोगों का विश्वास है, अभिमान है, उसे तुम लोगों के सामने तोड़ना था, इसीलिए इसे यहाँ मार रहा हूँ। इसकी मौत बहुत भयानक होनी चाहिए और उसका भय सबके चेहरे पर होना चाहिए। आज के बाद यहाँ की कोई भी लड़की औरत मेरे नाम से थर 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 सूखे पत्ते की तरह कांपेगी। उस दिन भी बजरंगी को जंगल में मैंने इसी तरह मारा था, किंतु तूने धोखे से मारा। बेटे के प्यार को सामने रखकर तूने उसे मरने के लिए मजबूर किया। मनुष्य के रूप में तू एक राक्षस है, शैतान की औलाद। वो बजरंगी तुझे नहीं छोड़ेगा। कौन सा बजरंगी? हाँ, जो वर्षों पहले मिट्टी में मिल गया वो बजरंगी क्या, या फिर उसी के खून का अंश ये नामर्द? कौन आएगा? जनता का साथ बजरंगी ने ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा। उसके हाथों से तेरा अंत निश्चित है। अगर अंजनी उठ गया तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। जो सूर्य से आँख मिला सकता है वो तुझे क्या छोड़ेगा? जीवा, उठो जीवा, जीवा। जीवा, जीवा, जीवा। जीवा! आ!
चल।